स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। द वॉइस इज़ आर्टिकुलेटेड बाय द लिप्स एंड द टंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड हम बोलते हैं स्पीच में वो कैसे अटर किया जाता है, कैसे अदा किया जाता है, वो किस मीडियम से फ्लो करके विद द हेल्प ऑफ एयर हमारी टंग से बाहर आता है। मैन स्पीक्स बाय मीन्स ऑफ द एयर विच ही इनहेल्स इनटू हिज एंटायर बॉडी। अब जो हम बोलते हैं वो रिजल्टेंट होता है उस एयर फ्लो का जो हम इनहेल करते हैं, और फिर उसके बाद जब हम उसको एक्सहेल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट मीन्स तो वो साउंड की फॉर्म में बाहर आता है। एंड पर्टिकुलरली इनटू द बॉडी कैविटीज़, जो हमारी कैविटीज़ हैं बॉडी में उनके थ्रू वो बाहर आता है, जैसे हमारी टंग है, लिप्स हैं, थ्रोट है, वहाँ से हम एयर को बाहर पुश करते हैं तो वो साउंड बन के बाहर आता है। व्हेन द एयर इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द एम्प्टी स्पेस इट प्रोड्यूसेस अ साउंड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंसेस इन द स्कल। जब एयर एक्सहेल होती है, बाहर को आती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और वो जो साउंड है दैट इज अटर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब यहां पे उसने एक वर्ड यूज किया है दैट इज रेजोनेंसेस। ऑब्स्टिकल्स आते हैं एयर को जब एक्सहेल करते हैं हम, तो उसके दरमियान में डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हैं जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, और उस ऑब्स्टिकल की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। द टंग आर्टिकुलेट्स बाय इट्स स्ट्रोक्स। अब जो हमारी टंग है उसके साथ उसने जो वर्ड यूज़ किया दैट इज़ स्ट्रोक्स, वो स्ट्राइक करती है। कभी वो हमारे लिप्स पे स्ट्राइक करेगी, कभी वो इंटरनल पार्ट इधर ऊपर तलू कहते हैं जिसे हम, उसको स्ट्राइक करेगी और उसकी मदद से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। इट गैदर्स देयर इन द थ्रोट एंड पुशेस इट अगेंस्ट द पैलेट एंड द टीथ। अब टंग क्या करती है, थ्रोट में हवा इकट्ठी करती है और उसके बाद उसको जब एक्सहेल करती है तो वो स्ट्राइक करता है कहाँ पे, पैलेट पे या टीथ पे। अब टंग स्ट्राइक कर रही है उस एयर को पैलेट इधर या टीथ पे, पी टी एच, ये डिफरेंट साउंड्स हैं जो उस एयर के एक्सहेल होने की मदद से प्रोड्यूस हो रही, देयर बाय गिविंग द साउंड अ डेफिनेट शेप। और उसी स्ट्राइक की वजह से डिफरेंट शेप्स साउंड की बनती। इफ द टंग वुड नॉट आर्टिकुलेट ईच टाइम, और अगर जो हमारी ज़ुबान है वो हर मर्तबा स्ट्राइक नहीं करती, आर्टिकुलेट नहीं करती बाय मीन्स ऑफ इट्स स्ट्रोक्स, अपनी स्ट्राइक्स की मदद से, मैन वुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड वुड ओनली बी एबल टू प्रोड्यूस अ फ्यू सिंपल साउंड्स। तो फिर हम सही तरह से अल्फाज अदा नहीं कर सकेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमने देखा है कि साउंड्स को क्लियरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी जो टंग है वो सही तरह से स्ट्राइक नहीं कर रही होती, आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती। कई दफ़ा हम कहते हैं कुछ लोग तोतले होते हैं, वो ते बोल रहे होते हैं या रे बोल रहे होते हैं, बे नहीं बोल रहे होते। कुछ साउंड्स हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एनी साउंड इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ ही सेज हियर दैट प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी वो मूवमेंट ऑफ एयर की मदद से प्रोड्यूस होगी।
Most speech sounds are produced by pushing lung air through the opening between the vocal cords up the throat and into the mouth or nose and finally out of the body. आपके different body parts में से होके throat है, nose है, जो air है वो move करती है बाहर और उसकी मदद से sounds produce होती हैं. Some technical jargon. For a discussion of jargon in general, we can see chapter number 10. The opening between the vocal cords is the glottis. जो opening है जहाँ से air move करेगी हमारे vocal cords इधर throat के अंदर, उसे हम कहते हैं glottis, which is located in the larynx. जो कहाँ है हमारे larynx में है, somewhere in the lungs. Which is often referred to as the voice box. और इस larynx को हम voice box भी कहते हैं. And pronounced layer rings. और इसकी जो pronunciation उसने कहा है वो दो words हैं, layer rings. The tabular part of the throat above the larynx is the pharynx. और इससे ऊपर एक part है जिसको हम क्या कहते हैं, pharynx, which rhymes with larynx and produces a very high score at Scrabble. What sensible people call the mouth, we linguists call the oral cavity. आम तौर पे लोग कहते हैं mouth, हम इसको कहते हैं oral cavity. तो ये एक body part है जो ये जो हमारी ओरेशन है, जो हम ओरल स्पीक करते हैं, ज़ुबान से बोलते हैं, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं. टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नेज़ल कैविटी. और दूसरी क्या है, नेज़ल कैविटी. दिस इज़ एसोसिएटेड विद माउथ, दिस इज़ एसोसिएटेड विद नोज़. कुछ साउंड्स नोज़ से निकलती हैं आपकी, जिस तरह एन है, ठीक है, तो वो नेज़ल कैविटी है और वो oral cavity, which is the nose and the plumbing that connects it to the throat plus your sinuses. और nose के अंदर क्या है, sinuses है, और ये इसको किससे connect करती है, with the mouth, throat. What distinguishes one sound from the other? अब distinguish कैसे करेंगे, differentiate कैसे करेंगे एक sound को दूसरी sound से. If you bang a large round drum, you will get one sound. अगर आप एक drum को बजाते हैं बड़े सारे, तो एक ही किस्म की sound आएगी. If you bang a small round drum, you will get a different sound. और उसी को जब differentiate करेंगे एक छोटे drum के साथ, तो उसकी जो sound है वो different होगी. If you bang a small oblong drum, you will get still another sound. और अगर उसकी थोड़ी सी शेप और चेंज कर देते हैं ड्रम की, आप साइज़ भी और उसकी विड्थ भी, तो एक और डिफरेंट साउंड आएगी. द साइज एंड शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग द एयर दैट इज़ मूविंग मेक्स अ डिफरेंस. अब क्या है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो साइज़ एंड शेप ऑफ वेसल है उसकी मदद से जो साउंड्स हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं. किसी की साउंड लाउड होगी, किसी की साउंड लो होगी, किसी की साउंड भारी होगी, किसी की साउंड बारीक होगी. तो ये जो डिफरेंट साउंड्स हैं, दिस इज़ बिकॉज जो ओरल कैविटी है, जो लैरिंग्स और फेरिंग्स है, और जो थ्रोट है जहाँ से वो एयर एक्सहेल हो रही है, वो डिफरेंट इन साइज and different in shape. This is also true in the production of speech sounds. अब जिस तरह हमने एक ड्रम की एग्जाम्पल ली है, इसी तरह जो स्पीच साउंड्स हैं उनके लिए भी सेम फिनोमिना अप्लाई होता है. द वोकल ट्रैक्ट एक्ट्स एज द वेसल ऑफ द एयर. अब जो वोकल ट्रैक्ट है, जो रास्ता है जहाँ से एयर एक्सहेल हो रही है,
वो डिफाइन करेगा कि साउंड कैसी होगी. व्हेन इट चेंजेस शेप डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. और जैसे ही इसकी शेप चेंज होगी साउंड्स डिफरेंट हो जाएंगे. अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स वी विल मूव ऑन टू द अदर थिंग दैट इज एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. एयर स्ट्रीम क्या होती है? एयर स्ट्रीम फ्लो ऑफ एयर. मैकेनिज्म द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड कि किस तरीके से जो एयर है वो एक्सहेल होगी, किस फिनोमिना के तहत वो बाहर आएगी. मोस्ट ऑफ द साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द वोकल ट्रैक्ट. सिंस द एयर कम्स फ्रॉम द लंग्स इट इज पल्मोनिक. अब एयर लंग्स से आ रही है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनिक. एंड सिंस इट इज पुश्ड आउट इट इज एग्रेसिव. अब क्योंकि उसको धकेल रहे हैं आप, निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस की वजह से उसको हम कहते हैं एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. एन इम्पॉर्टेंट टर्म एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर. ऑल ऑफ द स्पीच साउंड्स ऑफ इंग्लिश हैव अ पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. अब ये क्या है? जो इंग्लिश की साउंड्स हैं पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. ये टर्म यूज़ किसके लिए हो रही है? ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. अदर एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म्स आर रेयर इन द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस बट आर स्टिल पार्ट ऑफ फोनेटिक्स. अनदर काइंड ऑफ एग्रेसिव साउंड इज मेड व्हेन एयर इन द माउथ इज प्रेशराइज्ड बाय एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्लोज्ड ग्लॉटिस एंड देन रिलीज्ड सडनली प्रोड्यूसिंग अ शार्प साउंड कॉल्ड एन इजेक्टिव. ये वर्ड हमने सुना है इजेक्ट, बाहर निकालना. सीडी प्लेयर में अक्सर हम देखते हैं, पहले कैसेट प्लेयर्स होते थे, इजेक्ट का बटन होता है. जब इजेक्ट के बटन को हम दबाते हैं तो क्या होता है कि जो कैसेट या सीडी है वो बाहर को आ जाती है. तो ये जो साउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? इजेक्टिव. कि जो साउंड्स निकल रही हैं एयर स्ट्रीम के थ्रू, जो ग्लॉटिस से आ रही हैं after different obstacles they are ejective. An ejective p sound makes a distinctive pop. अब p जो है, p ये आपके दो lips हैं, ये बंद हैं, जब आप इनको press करते हैं अंदर से air आती है p, तो ये eject हो रही है air. Sounds may also be ingressive. एक तो हो गई ejective sounds, एक हो गई इनग्रेसिव. इनग्रेसिव साउंड्स कौन सी होती हैं? इन वन काइंड ऑफ इनग्रेसिव साउंड द एयर इज सक्ड इनटू द माउथ टू मेक क्लिक्स. हम क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं क्लिक्स बनाने के लिए, जैसे टी एस के. अब टी एस के इंजेक्ट हो रही है साउंड, अंदर जा रही है. इन अ डिफरेंट काइंड एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द माउथ इनटू द थ्रोट टू मेक implosives. implosives एक होता है explosive, उसका opposite है, antonym है implosive. explode करता है धमाका हुआ. implosive हवा अंदर ली, inject की और फिर उससे sound produce की. ejectives are found in any American Indian and African languages as well as languages spoken in the Caucasus, a region between the Black and Caspian Seas. Implosives also occur
इन द लैंग्वेज ऑफ द अमेरिकन इंडियंस एंड थ्रू आउट अफ्रीका इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हमारी जो साउंड्स हैं अमेरिकन है, इंडियन साउंड्स हैं, पाकिस्तानी हैं, उनमें इम्प्लोसिव्स होते हैं। क्लिक्स अकर इन द साउदर्न बैंटू लैंग्वेजेस सच एज जोसा एंड जूलू एंड इन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द बुशमैन एंड खोए खोए। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज डिफरेंट एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म्स गोज बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। We mention them to show that sounds can be classified according to the airstream mechanism used to produce them. In the rest of this chapter, we'll discuss only sounds produced by a pulmonic aggressive airstream mechanism. Consonants. Consonants kya hote hain? The sounds of all languages fall into two classes. Jitne bhi languages hain, unki jo sounds hain, unki do categories hoti hain. One is consonants and the other is vowels. Consonants and the other one is vowels. They are differentiated on the basis of the sound, the airstream mechanism through which they are produced. Consonants are produced with some restriction or closure in the vocal tract that impedes the flow of air from the lungs. In phonetics, the terms consonant and vowel refer to types of sounds, not to the letters that represent them. In speaking of the alphabet, we may call A vowel and B a consonant. But that means only that we use the letter A to represent vowel sounds and the letter B to represent consonant sounds. Now, after having studied the mechanism and consonants and vowels, now we move on to the main topic, which is the production of sound that differentiates one airstream flow from the other airstream flow, and that is called as places of articulation. Places of articulation, that how this airstream mechanism is followed and how the air is ejected and what terms are used for different sounds that are produced by deploying different mechanisms. Different consonant sounds result according to the place of articulation, which is where in the vocal tract the airflow restrictions occur. Movement of the tongue and lips called the articulators. अब articulators कौन से हैं? Tongue and lips. इनको हम क्या कहते हैं? Articulators. इनकी मदद से जो हवा है वो lungs से बाहर आती है और sound produce करती है. Lips and tongue. The two major components which are termed as articulators. They cause the restriction, reshaping the oral cavity in various ways to produce the various consonants. In this section, we discuss the major consonantal place features. As you read the description of each class of sounds, pronounce them and try to feel which articulators आर मूविंग एंड टू वेयर। सबसे पहला है बाय लेबियल्स। नाउ बाय मीन्स टू। बाय लेबियल्स कौन सी साउंड्स होती हैं? व्हेन वी प्रोड्यूस पी बी और एम। अब क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? लिप्स यूज हो रहे हैं एंड लिप्स आर टू इन नंबर। वी आर्टिकुलेट बाई ब्रिंगिंग बोथ लिप्स टूगेदर।
अब ये दोनों लिप्स क्या हो रहे हैं, पी बी एंड एम, दोनों लिप्स क्लोज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में. दीज साउंड्स आर देयरफॉर कॉल्ड बाय लेबियल्स वेयर बोथ लिप्स जॉइन टुगेदर. साउंड्स हैं बी पी एंड एम. तो इनको हमने क्या कह दिया, दीज आर बायलेबियल्स. लेबियो डेंटल्स. सेकेंड इज, अब लेबियो तो हमें पता चल गया यहां से कि दीज आर लिप्स डेंटल्स टीथ. अब यहां पे बोथ लिप्स एंड टीथ आर इन्वॉल्व्ड. वी ऑल्सो यूज आर लिप्स टू फॉर्म एफ एंड वी एज इन फाइन एंड वाइन. वी आर्टिकुलेट दीज साउंड्स बाय टचिंग द बॉटम लिप टू द अपर टीथ. एफ वी बॉटम लिप एंड अपर टीथ. तो जो साउंड्स हैं एफ एंड वी, दीज आर कॉल्ड लेबियो डेंटल्स, विच इज वाई दीज साउंड्स आर कॉल्ड लेबियो डेंटल. लेबियो रेफरिंग टू लिप्स एंड डेंटल टू टीथ. नेक्स्ट इज इंटर डेंटल्स. इंटर मीन्स बिटवीन एंड डेंटल अगेन टीथ. इन ऑर्डिनरी स्पेलिंग द साउंड्स ओ एंड आर बोथ रिप्रेजेंटेड बाय टी एच. फॉर एग्जाम्पल थिन एंड देन. टू आर्टिकुलेट these interdental between the teeth sounds, one inserts the tip of the tongue between the upper and lower teeth. तो जो हमारी टंग है, it comes between upper and lower teeth. तो उन sounds को, जैसे then है, इसको हम क्या कहते हैं, interdental. जैसे thin है, तो जब आप ये साउंड्स बोलते हो तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि जो हमारी टंग है वो अपर एंड लोअर डेंटल्स, अपर एंड लोअर टीथ के सेंटर में आती है, एयर स्ट्रीम फ्लो को वहाँ पे वो स्टॉप करती है और फिर वो साउंड निकलती है. नेक्स्ट इज एल्वियोलर्स. नेक्स्ट कैटेगरी एल्वियोलर्स. द साउंड्स आर टी डी एन एस जी एल आर. टी डी एस एन जी एल आर. एन जी एल आर. इन साउंड्स में क्या होता है, एल्वियोलर साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय रेजिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग टू द एल्वियोलर रिज. आर जो टिप ऑफ टंग है वो आप यहां ऊपर एल्वियोलर से लगाते हैं तो ये साउंड्स आती हैं. यू शुड फील योर टंग टच और ऑलमोस्ट टच द बोनी टूथ रिज एज यू प्रोड्यूस द फर्स्ट साउंड्स इन दीज words. For the literal L, the tip of the tongue rises to the alveolar ridge, leaving the rest of the tongue down, permitting the air to escape literally over its sides. अब जो हवा है वो tongue की sides से निकल रही है. You can feel it in the LA
और ट्रा ला ला, जो टिप ऑफ टांग है ये वाला हिस्सा, ये ऊपर एल्वियोलर रिज से लगता है और जो एयर स्ट्रीम है वो साइड से निकल रही। द साउंड आर इज प्रोड्यूस्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मैनी इंग्लिश स्पीकर्स प्रोड्यूस आर बाय कर्लिंग द टिप ऑफ द टंग बैक बिहाइंड द एल्वियोलर रिज, आर। इन दैट केस आर इज अ रेट्रोफ्लेक्स, वहाँ पे आर क्या बन जाता है, रेट्रोफ्लेक्स। इन सम लैंग्वेजेस द आर मे बी एन एल्वियोलर ट्रिल प्रोड्यूस्ड बाय द टिप ऑफ द टंग वाइब्रेटिंग अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। अदर सिंबल्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट आर साउंड्स एंड इन अ वेरी डिटेल्ड फोनेटिक डिस्क्रिप्शन, वी वुड इंक्लूड सम ऑफ देम फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस बुक, हाउएवर वी विल यूज द सिंबल आर फॉर ऑल द वैराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट कैटेगरी इज पैलेटल्स। पैलेटल्स क्या होते हैं, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? टू प्रोड्यूस द साउंड्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड मिशन, वर्ड क्या है, मिशन, स्ट्रेस आ रहा है यहां पे। द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड टू अ पॉइंट ऑन द हार्ड प्लेट जस्ट बिहाइंड द एल्वियुलर रिज, दीज आर पैलेटल साउंड्स। द टर्म एल्वियो पैलेटल इज ऑल्सो यूज, इसके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं, एल्वियो पैलेटल। क्लियर हो गई ये बात। द पैलेटल रीजन इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ सी एंड जे, द साउंड्स दैट बिगिन एंड एंड द वर्ड्स चर्च एंड जज, तो ये भी क्या कहलाते हैं, एल्वियो पैलेटल्स। नेक्स्ट कैटेगरी वेलर्स। अब वेलर्स क्या होते हैं, के जी एंड एन, अनदर क्लास ऑफ साउंड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग टू द सॉफ्ट पैलेट और वेलम, द इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स किक, gig and the final sounds of the words back, bag and bang, इनमें जो k, g और n की sound है they are all velar sounds, k, g and n, क्या है, bang, kick and बैक, बैग। इन साउंड्स में जो के है, जो जी है और जो एन है वो क्या है, दैट इज वेलर्स साउंड्स। नेक्स्ट इज यूवुलर्स। यूवुलर्स क्या होते हैं, यूवुलर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग टू द यूवुला, द फ्लैशी अपेंडेज दैट हैंग्स डाउन इन द बैक ऑफ द थ्रोट, गले के अंदर से, बैक ऑफ द थ्रोट से जहाँ पे टंग ज्वाइन हो रही है, जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से ये साउंड आती है। वो कौन कौन सी साउंड्स हैं, आर, क्यू एंड जी। साउंड्स आर R, Q, G. The R in French is sometimes a uvular trill and is symbolized by R. Uvular sounds occur in other languages. Arabic, for example, has two uvular sounds symbolized as Q and G. K, G. ये जो Q है, ये जो G है, क, क की आवाज गले से आ रही है, ग, तो उनको हम कहते हैं यूवुलर्स। नेक्स्ट ऑलमोस्ट
द लास्ट आर्टिकुलेटर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन का है, दैट इज ग्लॉटल. जो थ्रोट से आवाज आ रही है ग्लॉटल से, यहां से, वो कौन सी है? एच. यहां से पुश किया जा रहा है ग्लॉटल से हवा को. एच. द एच साउंड दैट स्टार्ट्स वर्ड सच एज हाउस, हु एंड हेयर. हाउस, हु, हेयर. यहां से पुश करके हम आवाज को बाहर निकाल रहे. Although classified as a consonant, बेशक H vowel नहीं है लेकिन consonant है. There is no airflow restriction in pronouncing H. Its sound is from the flow of air through the open glottis. The tongue and lips are usually in the position for the production of the following vowel. If the air is stopped completely at the glottis by tightly closed vocal cords, the sound produced is a glottal stop. एक नई टर्म आ गई है, ग्लॉटल स्टॉप. अगर जो साउंड है वो ग्लॉटिस की वजह से स्टॉप हो गई है तो उसको हम कहते हैं ग्लॉटल स्टॉप. दिस इज द साउंड समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ टी इन बटन एंड लैटिन. इट ऑल्सो मे अकर इन कोलोकियल स्पीच at the end of words like don't, won't and can't. In some American dialects, we'll discuss, it regularly replaces the double T sound in words like bottle and glottal. If you say ah, ah, ah with one ah right after another and do not sustain the vowel sound, you will be producing glottal stops between the vowels. In some languages, the glottal stop functions like the stops P, T, K in English. The IPA symbol for a glottal stop looks something like a question mark without the dot on the bottom. Now, if you see table number 6.2, it summarizes the classification of English consonants by their place of articulation. The glottal stop is not included in this table since only some speakers use it in some words. The uvular sounds do not occur regularly in English. ये जो uvulars हैं ये English में regularly use नहीं होते.